भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज वही महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से अगर वेद मंत्र का अधिकार दिया है तो एकमात्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। कई सालों से वही महिलाओं को एक भोग्या और एक साधन के रूप में समझा गया। हमारे भाई साहब ने बताया कि आज वह समय आ गया है, जननी सृजनशीलता की शक्ति एक नारी है। महिला का मतलब ही है मही यानी पृथ्वी। इस पृथ्वी को हिला देने का सामर्थ्य है इस महिलाओं में, लेकिन सो गई है आज की वह नारी शक्ति। उनको जगाने के लिए हमारी परम वंदनीय माता भगवती देवी ने शंखनाद किया था और वही शंखनाद का वह उद्घोष इस हृदय में दर्द के रूप में उभर पड़ा है। इसलिए तो 24 दिकरियों से इस कन्या कौशल्य शिविर का आयोजन 1997 में जो शुरू किया, आज 2014 के साल और 33वीं कन्या कौशल्य शिविर को लेकर हम चल रहे हैं। भाई साहब ने हमें बताया कि जब सृष्टि को, इस धरती को, इस पृथ्वी को हिलाने की सामर्थ्य इस महिला में है, इसलिए तो संसार में जब सीता आई थी, वह सीता धरती की तो पुत्री थी, इसलिए तो धरती को, धरती की बहुत सहनशीलता को लेकर आई थी और सारे संसार को बता दिया था कि स्त्री क्या होती है, नारी क्या होती है, माँ क्या होती है, पत्नी क्या होती है। और पत्नी और मातृत्व की जो संवेदनशीलता है वह माँ सीता ने उच्च गरिमा के साथ बताई। और जंगल में रहकर, एक ऋषि के आश्रम में रहकर लवकुश को उन्होंने कैसे कैसे संस्कारों से सज्जित किया था। और वही बात आज फिर से हम माँ सीता को याद करते हुए हम याद करेंगे। जनक दुलारी जानकी कैसी थी? वह जानकी थी जो पिनाक, जो धनुष, शिव धनुष जनक को दिया गया था, कितने सारे हाथियों से जोत कर वह धनुष जनक के दरबार में लाया गया था। लेकिन जब जब हर रोज धनुष की पूजा होती थी, वह धनुष की पूजा करने के लिए जब राजा जनक जाते थे, उससे पहले जानकी उस धनुष के आसपास गाय के गोबर से उनको लीप कर उनको पवित्र बना देती थी। लेकिन एक बार जब राजा जनक ने देखा कि धनुष को उठा के इस सारी जगह को पूरे लेपन किया गया है, कौन होगा इस धनुष को उठाने वाला जो इतना भारी है कि कितने सारे हाथियों से जोत कर लाया गया था, और वह धनुष को किसने उठाया? जब जनक राजा ने बताया, बुलाया जानकी को, बेटा इस धनुष के आसपास लेपन का काम कौन करती है? मैं करती हूँ पिताजी। अच्छा बेटा, तू करती है तो आज तो पूरा धनुष को उठा के लेपन किया गया है, क्या तूने किया? हाँ पिताजी, मैंने किया। तब राजा जनक ऐसे विस्मय पाम गए थे, कहने लगे कि बेटा कैसे किया तूने? तब माँ जानकी आई, छोटी सी जानकी थी, छल छल करके आई और पिताजी को बताने लगी, देखो पिताजी मैंने ऐसे धनुष को उठाया, एक हाथ से उठा के दिखाया और एक हाथ से लिपट करके दिखाया। ये दृश्य देखकर जनक राजा समझ गए थे कि ये जानकी कोई साधारण नहीं है, स्वयं शक्ति का अवतरण हो गया है। और वह शक्ति को कौन प्राप्त करेगा, वो किसकी शक्ति है, इसको ढूंढने के लिए अब तो मुझे वही स्वयं रचना पड़ेगा कि जो शिव धनुष उठाएगा वही उनका अधिकार प्राप्त करने वाला है। उसी तरह सीता स्वयंवर की योजना बनी थी। आज रावण जैसे दुष्ट दुराचारी को तो परास्त करना एक चुटकी बजाने का काम है, लेकिन वही कार्य करने के लिए आज जानकी वही सीता को फिर से जागृत करने का सामर्थ्य जगाने का एक काम करना पड़ेगा। और वही कार्य परम वंदनीय माता भगवती देवी ने वही कन्या कौशल के शिविर के माध्यम से ही बताया है। इसलिए तो कहा गया है, उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगाः। वैसे कोई कार्य नहीं होने वाला है, सिंह चाहे राजा है, लेकिन फिर भी उसको कार्य करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, तब उसके मुंह में भी शिकार आता है। वैसे शिकार नहीं आता है चाहे राजा क्यों ना।
हमें भी प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें भी उद्यम करना पड़ेगा। जो भी उद्यम करता है उसके साथ सिद्धियां दौड़ कर चली आती हैं। सिद्धि कहने जय वरे जे परसेवे नाय परसेवे लबदब थनार व्यक्ति ना चरण मा सिद्धि दौड़ती आवे। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा रिद्धि सिद्धि क्या होती है, वो तो चुटकी बजा के चली आती है, लेकिन कब, जब हम प्रविशंति न मुखे मृगाहा। जेम सिंह ने पण प्रयत्न करवो पड़े छे, तेम ज्यारे आ संसार में एक नारी शक्ति चालवा मारसे शंखनाद करीने, अने ज्यारे परसेवे नहाती थई जासे पूरे पूरा प्रयत्न साथे ए आगळ वधशे तो अवश्य सिद्धि तेना चरणों में निकटताने पांबा लागशे। आइए हम सभी के भीतर में भी ये सामर्थ्य है, क्योंकि कहा गया है इस संसार में अगर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है तो एक माँ की गोद है। इसलिए मातृत्व को हम इतना बढ़ाएंगे इतना बढ़ाएंगे। आज फिर से इस संसार में राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, फिर से गांधी आएंगे, सरदार आएंगे। आज गुजरात का तो परम सौभाग्य है कि पूरे राष्ट्र को चहल पहल करने के लिए गुजरात में से ही एक गांधी निकला था, एक निकला था, और आज एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो निकल आया है पूरे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। तो हम आज इतनी सारी मातृशक्तियां क्यों सोती रहेंगी, उठेंगे जागेंगे और हमारे गुरुदेव के स्वप्न को पूरा करने के लिए लग जाएंगे, बराबर से जुड़ जाएंगे। इसलिए तो हम सभी के भीतर में से एक चेतना चलनी चाहिए, हम अंतःकरण को एक संकल्प कराएंगे। क्या कराएंगे? चलो